मन हमेशा स्मृति में रहे, सेवा में रहे, आराधन में रहे, नमन में रहे, दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवतु नूनाम। आज के बाद मेरा मन वचन और कर्म सदा सदा के लिए बंधन में रहे, सेवा में रहे, आराधन में रहे। इतना निवेदन करके दोनों पक्ष वो जो गंधर्व थे आकाश मार्ग से उड़ गए। अब इतना भयंकर शब्द हुआ है, यशोदा भी बाहर आई, समस्त ब्रजवासी आ गए। और उस समय जब ये देखा गया, अरे अरे वृक्ष नंद बाबा भी आ गए, ये किसने बांधा, ये किसने बांधा? यशोदा जी ने कहा, आपको क्या मालूम, आप तो सुबह घर से बाहर चले जाते हो, इसकी करतूत तो आपने देखा होता तो आप भी मांग सकते थे, लेकिन आपको मालूम नहीं है। तुरंत खोला गया, अरे एक छोटे से बालक के ऊपर इतना बड़ा दंड। कई सखियां कहने लगी, वसुदेव जी आ गए। वसुदेव जी ने कहा, ये तो मैं सुबह से ही भगवान वासुदेव श्रीमन्नारायण जगत पिता के नामों का आश्रय लिया हुआ था, आज मैंने जल भी नहीं पान किया, उसी नाम के प्रभाव से ये मेरा कन्हैया बच गया है, वहां आना हुआ था उनको भी। तो तुरंत बंधन खुला और भगवान को ब्राह्मणों के द्वारा उनको शुद्धिकरण किया जा रहा है कि जब से ये आया है कोई ना कोई उपद्रव घर में होता रहता है, तो किस चीज से शोधन किया जा रहा है? गोमूत्र। और किसके द्वारा? एक तो कुशा है, एक दुर्वा है, एक पुष्प है, लेकिन भगवान का जो अभिषेक शोधन किया वो किसके द्वारा किया जा रहा है? मोर की पंखी से, गौमूत्र को मोर की पंखी से जब भगवान के ऊपर छिटा डाला जा रहा है तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी इसमें हंसने की क्या, माता पिता की तो जान निकल रही थी। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान ये समझ रहे हैं कि मेरी मैया कितनी भोली है, देखो तो सही, मेरे ही नाम से मेरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ओम त्रिविक्रमाय विक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः, ओम परशुरामाय नमः, श्रीरामचंद्राय नमः, श्रीवासुदेवाय नमः। ये किसके नाम है? परिचित ना कि गुरुजी तो भगवान के नाम है, इसलिए भगवान को हंसी आई कि मेरे नाम से और मेरा इलाज किया जा रहा है। अतिशय आनंद हुआ। भगवान थोड़े से बड़े हुए और भगवान ने देखा हमारी परंपरा क्या है, आज हमारे बच्चे हमारी परंपरा में रहना चाहते हैं? कोई बिरला ही होगा जिसके बच्चे कहते हैं, पापा मुझे बताओ क्या करना है, नहीं तो सब ने सोचा हुआ है हमने क्या करना है, सब ने सोचा हुआ हमने क्या करना है। कृष्ण ने कहा, हम वैष्णव हैं पिताश्री, हमें विद्या लेनी चाहिए या खेल में जाना चाहिए या गोचारण में जाना चाहिए? अब हम चलने लगे हैं, अपने पैरों से घूमने लगे हैं। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया हमारे घर की परंपरा रही है, कई कई पीढ़ियों से परंपरा रही है कि हमारे घर की जो संपदा है, अपनी संपदा और संस्कृति को जो संभालता है उसे ही सनातन में संतान कहते हैं। जितने घरों में बच्चे पैदा हुए हैं सबके घरों के बच्चे संतान कहलाने के अधिकारी,
जो संपदा, जो परंपरा, जो सिद्धांत को स्वीकार करते हैं उन्हें सनातन में संतान कहा गया है, और जो केवल माता पिता की एकत्रित की हुई पूंजी को ही नष्ट करना चाहते हैं उन्हें शैतान कहा गया है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घरों में किसका जन्म हो, है? हतु बेस आपको बनाना है, बेस आपको बनाना पड़ेगा। कौन आएगा ये वो बेस सिद्ध करेगा। तो नंद बाबा ने गौ माता के प्रति जागरूक किया। उसी समय ठाकुर जी ने कहा, हाँ, एक तो महात्मा का वचन और दूसरा हेतु गौ माता भी तो है मेरे पृथ्वी पर आने का कारण। गौर भूता विप्र धेनु सुर संत है, धेनु दूसरे नंबर पे गौ माता। बहुत प्रसन्न हुए ठाकुर जी। नमो देवे महादेवे सुरभे च नमो नमः गवाम्बीज स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। ऐसी गौ माता के अंदर जो संपूर्ण दैविक शक्तियों का समावेश है, उन गौ माता को भगवान श्री कृष्ण ने मन से नमन किया। परोपकाराय द्विहंति गाव, परोपकाराय फलंत वृक्षा, परोपकाराय वहंत नद्या, परोपकारार्थम शरीरम। परमार्थी जीव के प्रति कृष्ण बहुत बहुत जागरूक है। तो वृंदावन का महत्व समझाया गया। वनम वृंदावनम नाम पश्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्व्रजावासम सकटैरधर चंद्रवत्। वृंदावनम गोवर्धनम यमुनापुलनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। वृंदावन की महिमा बड़ी अद्भुत है। संपूर्ण वृक्ष के अंतर ऋतुओं का प्रभाव होता है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, लेकिन जो वृंदावन के वृक्ष है उनके ऊपर ऋतुओं का प्रभाव नहीं है। वहां के वृक्ष कभी पतझड़ नहीं होते। जब भी हम उस वृक्ष को देखते हैं उस वृक्ष का नया रूप नजर आता है। नवकाननम नवकाननम नवकंजय